हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि सब खुश होंगे, प्रसन्न होंगे। आज हम आपको ले चलते हैं वहीं जहाँ से हमने इस एक्सरसाइज को छोड़ा था। हमने इस एक्सरसाइज के 4 क्वेश्चंस पहले ही कर लिए, आज हमने इसका 5वां क्वेश्चन करना है। एक्सरसाइज 2.2 देखिए, 5वां क्वेश्चन की स्टेटमेंट यहाँ लिखी हुई है। किसी टैक्सी ड्राइवर ने अपनी गाड़ी की पेट्रोल टंकी में सोमवार को 40 लीटर पेट्रोल भरवाया। अगले दिन उसने टंकी में 50 लीटर पेट्रोल भरवाया। यदि पेट्रोल का मूल्य ₹44 प्रति लीटर था, तो उसने पेट्रोल पर कुल कितना व्यय किया? तो हम लिखते हैं कि सोमवार को टंकी में पेट्रोल भरवाया, कितना भरवाया? 40 लीटर। ओके। फिर अगले दिन यानी कि मंगलवार को, अगले दिन टंकी में पेट्रोल भरवाया 50 लीटर, ठीक है, टोटल 90 लीटर हो गया हमारा। ये 40 जमा 50, रेट क्या है इसका? पेट्रोल का प्रति लीटर मूल्य क्या है? वो दे रखा है ₹44 प्रति लीटर, मीन्स 1 लीटर पे ₹44 लगते हैं। इतना लीटर पेट्रोल उसने लिया है 2 दिन में, तो इसने पूछा है कुल कितना व्यय किया। तो हम लिखेंगे कुल व्यय, व्यय मीन्स खर्च, कितना खर्च हुआ पेट्रोल के ऊपर। क्या करते हम, पेट्रोल की मात्रा 90 लीटर होगी और इसको गुणा कर देते हैं प्रति लीटर मूल्य के साथ, यानी कि 44 की गुणा कर देते हैं 40 के साथ भी और 50 के साथ भी, ऐसे लिख सकते हैं हम, क्योंकि ऐसे गुणा हमने की है पहले। तो इस तरह की गुणा हमने करनी है, तो 44 गुणा में इन दोनों को अगर हम जोड़ देंगे तो कितना हो गया? 90। 90 की गुणा करनी है तो 0 तो वैसे लगा लो, 9 की गुणा कर दो, 9 चौका 36, असल 3 9 चौका 36 और 3 39, इतने रुपए हो गए, ₹3,960 उसने पेट्रोल के ऊपर खर्च किए। ये क्वेश्चन था मना आसान सा। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसकी स्टेटमेंट है, कोई दूध वाला एक होटल को सुबह 32 लीटर दूध देता है और शाम को 68 लीटर दूध देता है। यदि दूध का मूल्य ₹45 प्रति लीटर है, तो दूध वाले को प्रतिदिन कितनी धनराशि प्राप्त होगी? ये भी उसी तरह का क्वेश्चन है कि हम ये लिखते हैं, सुबह जो है होटल को 32 लीटर दूध देता है, हम लिख देंगे दूध वाला सुबह जितना दूध देता है कितना देता है? सुबह देता है ये 32 लीटर, और शाम को जितना दूध देता है, शाम को देता 68 लीटर, ठीक है। और दूध का मूल्य जो दे रखा है प्रति लीटर, दूध का मूल्य वो दे रखा है ₹45 प्रति लीटर, ये दे रखा है। हमें गुणा करनी है इसकी और इसकी, दोनों की, इन दोनों को। ये है 32 जमा में 68, जितना दूध बनेगा उसकी गुणा कर दो 45 के साथ, ये उसको धनराशि प्राप्त होगी। जितनी धनराशि प्राप्त होगी, जितनी धनराशि प्राप्त
प्राप्त होगी, इसमें हमने गुणा करनी है। या दूध वाले को भी लिख सकते हैं, दूध वाले को जितनी धनराशि प्राप्त हो इसकी गुणा करनी है, 45 की गुणा करनी है, 32 के साथ भी गुणा करनी है, 68 के साथ भी गुणा करनी है। तो हम इकट्ठी गुणा कर सकते हैं, हम दोनों को ब्रैकेट में लिख के और 45 ब्रैकेट से बाहर लिख दिया कि इस 45 की इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई गुणा करनी है। तो गुणा कैसे करते हैं हम, गुणा का नियम ये, इन दोनों को जोड़ दो, इन दोनों का जोड़ कितना हो गया, 100 हो गया। अब इसकी गुणा तो बड़ी आसान है, दो जीरो लग जाएंगे, 4, 5 और 0, 0, यानी कि 4,500 रुपये आ गए। इतनी धनराशि किसको प्राप्त होगी, दूध वाले को प्राप्त होगी जिसने इतना लीटर 100 लीटर दूध बेचा है। तो ये इस तरह से आप गुणा कर चुके पहले, वही गुणा इस सवाल में दोहराई गई है। चलिए नेक्स्ट, ये 7th क्वेश्चन है जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। निम्न को सुमेलित कीजिए, सुमेलित करना है इन तीनों को, इन तीनों के साथ, यानी कि मैच करना है, आपस में मैच करना है इनको। पहला क्या है, 425 की गुणा करनी है 136 के साथ, इसको सीधी गुणा ना करके 425 की गुणा ऐसे कर दी, 6 + 30 + 100, 6 + 30 + 100 ने जोड़ेंगे तो यही बनता है 136। तो इस तरह से जो बांट के गुणा करते हैं हम, 136 को तीन जगह हमने बांट दिया 6 + 30 + 100 में, तो ये कहता है ये गुणा का कौन सा नियम है इन तीनों में से आपने मैच करना है। तो देखिए यहाँ है, ये देखिए योग पर गुणन का वितरण, वितरण माने होता है बांट देना, बांट के गुणा करना, डिस्ट्रीब्यूशन वितरण। तो ये जो नियम है पहले में यही नियम काम कर रहा है कि योग पर गुणन का वितरण है, यानी कि गुणन तो ये है 425 से गुणा करने, ये योग कर दिया हमने 136 का 6 + 30 + 100, तो ये योग पर गुणन का वितरण नियम है ये, या इसको हम अगर इंग्लिश में हम आप समझोगे तो ये डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑन एडिशन। दूसरा है 2 × 49 × 50 इज इक्वल टू, इनकी गुणा ऐसे भी कर सकते हैं, यानी कि 50 को पहले लिख दिया, 49 को बाद में लिख दिया, क्रम बदल दिए। क्रम का मतलब है ये पहले नंबर पे ही, दूसरे नंबर पे ये, तीसरे नंबर पे, यहाँ इसको तो पहला ही दे दिया लेकिन इस तीसरे वाले को दूसरा नंबर दे दिया, दूसरे वाले को तीसरी जगह, यानी कि इनके ऐसे क्रम चेंज कर दिए। क्रम चेंज करने को क्या कहते हैं हम, क्रम विनिमेय। अब यहाँ क्रम विनिमेय दो हैं, एक तो गुणन की क्रम विनिमेयता है, एक योग की क्रम विनिमेयता है। तो ये कौन सा है, क्योंकि ये सारे गुणा में है इसलिए ये आएगा गुणन की क्रम विनिमेयता। इसमें गुणन की क्रम विनिमेयता को क्या कहेंगे हम इंग्लिश में, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन, ये हो गया कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन। अब ये थर्ड, 80 + 2005 + 20, इसको भी इसका पैटर्न चेंज कर दिया थोड़ा है, 80 को तो यहीं पहले स्थान पर रखा, 2005 को दूसरे से तीसरे स्थान पर लिख लिया और 20 को तीसरे से दूसरे पर लिख दिया, इनका भी क्रम चेंज कर दिया। क्रम चेंज करने को वही हम कहते हैं, क्रम चेंज करने का मतलब है क्रम विनिमेयता, क्योंकि ये सारे योग के इसलिए योग की क्रम विनिमेयता है, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। ये हो गया एक हमारा हो गया थर्ड, ये फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड, ये तीनों लॉ भी आपने याद रखने। अब क्योंकि हमने मैच करना है इन्हें, तो पहले का जो मैच है, फर्स्ट का मैच हमारा हो गया सी के साथ, और सेकंड का जो मैच होया हमारा ये होया ए के साथ, और थर्ड का जो मैच है हमारा ये होया बी के साथ। ये मैच हमने सुमेलन, मैच को हिंदी में सुमेलन कह देते हैं, तो इसका ये सुमेलन है। आपने याद रखना ये तीनों नियम, ये बहुत इंपॉर्टेंट नियम है। इस नियम का नाम मैंने क्या बताया है,
कॉम्यूटेटिव कर्म बदलना, कॉम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन, गुणन का, गुणा का, और यही भी, ये भी वही है कॉम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन, योग का, और ये है डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑन एडिशन। ये तीनों लॉ आपने याद रखने हैं और इनके ये एग्जाम्पल हैं। चलिए आज ये एक्सरसाइज आपकी यही ख़त्म होती है, अगली एक्सरसाइज में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, अपनी प्रॉब्लम, अगर आपके सामने कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट्स बॉक्स में डाल दें और आपको उसका हल मिल जाएगा नेक्स्ट डे को। ओके, थैंक यू।